सोलन नगर परिषद और सफाई कर्मियों में चल रहा विवाद एसडीएम सोलन रोहित राठौर की मध्यस्थता से आखिर समाप्त हो गया है। सभी सफाई कर्मी वापस अपने काम पर लौट गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से सोलन शहर में कूड़ा नहीं उठ रहा था, हर तरफ गंदगी का आलम था। 125 सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। जब ये सफाई कर्मी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी के पास पहुंचे तो उन्होंने सफाई कर्मियों का ना समझ और अनपढ़ कह दिया। उनके इस बात ने विरोध की चिंगारी पर तेल का काम किया और वे सभी एकत्र होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए और धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। इसी बीच शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने सफाई कर्मियों के इस विरोध में उनका साथ दिया, उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया और जिला प्रशासन के समक्ष रखा। एसडीएम सोलन रोहित राठौर ने बताया कि सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने की मांग मान ली गई है, उनका पीएफ भी भविष्य में काटा जाएगा। वहीं उन्हें पक्का कराने पर नगर परिषद प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों ने कोरोना संकट में अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं और किसी भी तरह की दिक्कतें शहरवासियों को नहीं आने दी हैं और वे चाहते हैं कि सभी सफाई कर्मी फिर से अपनी सेवाओं पर लौटें और सोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें। जो एमसी के सीएलसी के कर्मचारी थे उन्होंने लगभग 4 दिनों से हड़ताल यहाँ पे रखी थी करके कि इनको एक तो डेली वेजेस पे किया जाए और इनकी जो है सैलरी को इंक्रीज़ किया जा सके, लेकिन ये दोनों ही मामले जो हैं वो उच्च स्तर पे निपटारा इसका किया जा सकता है। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि वो साहब और इनके पदाधिकारियों को साथ लेके वो उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुँचाएंगे ताकि इसमें प्रॉपर तरीके से कोई निर्णय लिया जा सके। साथ में इनके 2-3 मांगे और थी कि इनको ग्लव्स और किट्स की कमी ना रहे, सैनिटाइजर्स की कमी ना रहे, और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक और साथ में ये मांग कर रहे थे कि इनको जो है इनके जो 4-5 इनके कर्मचारी थे जिनको यहाँ से जो है निकाला गया था उनको ये रीइंस्टेट करना चाह रहे थे। तो इस पर भी उस हिसाब से इसमें अनुरोध किया गया है कि ग्लव्स किट्स और सोप्स के बारे में इनको कमी ना रहे और जो भी औपचारिकता पूर्ण करता होगा जो कर्मचारी निकाला गया अगर वो पूर्ण करता होगा तो उसको रीइंस्टेट करके रखा जा सके। साथ में इनकी डिमांड पीएफ को लेके भी थी, वो भी यू साहब ने अपने स्तर पे निपटारा करने का प्रयास किया है कि जो भी कटवाना चाहता है जितनी कटौती चाहता है वो फिर कटवा सकते हैं और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, इन्होंने जो है ये आश्वासन दिया है हमारे को कि अगर ये मांगे उठाई जाती हैं तो ये आज से ही काम पे लौटेंगे और मुझे प्रसन्नता भी है और इस बात का हर्ष भी है कि ये जितने भी हमारे कर्मचारी हैं इन्होंने स्पेशली कोविड के दौरान कोरोना से संक्रमित मुक्त रखने के लिए सोलन को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया है और इनके एफर्ट्स जो हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि अभी तक सोलन शहर जो है वो कोरोना मुक्त है और इनका प्रयास की हम सराहना भी करते हैं और ये इनसे आश्वासन भी मांगते हैं और इनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि ये फिर पुनः काम पे लौटेंगे और बहुत बढ़िया जो है और अच्छा जो है ये सोलन को साफ सुथरा रखने में सहयोग देंगे। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने बताया कि सफाई कर्मियों को कार्यकारी अधिकारी ने कुछ अपशब्द कहे थे जिसकी वजह से कोरोना वायरस की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, लेकिन कार्यकारी अधिकारी ने सभी सफाई कर्मियों के समक्ष अपने शब्दों को वापस ले लिया है और उनकी मांगों को भी मान लिया है, जिसकी वजह से सफाई कर्मियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरी कांग्रेस सफाई कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसी भी तरह से उन्हें शोषित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सफाई कर्मी नेता ने बताया कि उनकी सारी मांगे मान ली गई हैं, जिसके चलते वे बेहद ही खुश हैं, वे काम पर लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें अफसोस है कि उनके वार्ड पार्षद द्वारा उनकी मांगों को उठाया जाना था लेकिन वे उनके इस संघर्ष में साथ नहीं थे। समस्याएं बहुत ज्यादा थी, सफाई कर्मचारी कई दिनों से जो है पूरे सोलन पे हड़ताल पर थे, किसी भी घर से जो है कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। इसी बीच कहीं ईओ साहब से बातचीत करते हुए ईओ साहब से कुछ शब्द ऐसे निकल गए थे जो सभी के दिल में भी चुभे थे। तो सबसे पहले तो मैं ईओ साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अपने वो शब्द जो हैं वो वापस लिए हैं, उसके लिए जो है सभी लोगों में खुशी का माहौल भी है और सब लोग खुश हैं क्योंकि मान सम्मान पैसे और किसी भी चीज़ से बढ़कर होता है। तो सबसे पहले तो हम इस बात के लिए ईओ साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने शब्द वापस लिए और दूसरा जो है अभी हमारे बीच में एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने मध्यस्थता करी और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो भी समस्याएं इन लोगों की थी उसके ऊपर जो है प्राथमिकता से काम किए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः इनके कारगिल मोहल्ले में लगे हुए जो कमर्शियल मीटर हैं कोशिश की जाएगी कि उन्हें डोमेस्टिक में चेंज किया जाए या फिर कुछ और जो उसके प्रति
निकल सकता है सॉल्यूशन उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो है इनकी मांग थी कि इनका पीएफ काटा जाए, उसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर 1,000 रुपये ये अपनी सैलरी से कटाते हैं तो 1,000 रुपये जो है वो कमेटी नगर परिषद इनकी तरफ से जमा करवाती है, जो कि कहते हैं कि सेविंग होती भी बहुत ज़रूरी है, कभी मुश्किल समय आता है या कभी कोई शादी भी आता है तो यही सेविंग्स हैं और इन्हीं के ऊपर जो है आप लोग लोन लोन भी ले सकते हैं पीएफ के ऊपर। तो उसके लिए भी जो है इन्होंने कहा है कि आप लिख के दे दीजिए, ये करना, ये साहब ने विश्वास दिलाया कि ये होना शुरू हो जाएगा।